हाई एवरी वन वेलकम टू रिव्यू बाई मिशी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो आज हम रिव्यू करेंगे डर्मा शाइंस का इस पर लिखा है एक्टिव वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स सन ब्लॉक एस पी एफ सिक्सटी प्लस प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर फेस नॉन स्टिकी हाई प्रोटेक्शन सन लोशन अच्छा तो ये सन ब्लॉक यू एंड यू दोनों से प्रोटेक्ट करता है इसका मतलब यह है कि ये दोनों किस्म की सूरज की शुवाओं से प्रोटेक्ट करता है सन ब्लॉक बाय करने से पहले ये ज़रूर देखें कि उसमें दोनों यू वी एंड यू वी बी रेस हों ताकि आपको दोनों से प्रोटेक्शन मिले इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एस पी एफ सिक्सटी प्लस है तो अब सवाल यह है कि एस पी एफ़ होता क्या है एस पी एफ मीन सन प्रोटेक्शन फैक्टर और ये जो एस पी एफ नंबर होता है जैसे किसी के पास थर्टी किसी में थर्टी फिफ्टी जैसे मेरे पास जो डर्मा शाइन का सन ब्लॉक है इसमें एस जो है वो सिक्सटी प्लस है सो so बेसिकली इन नंबर से ये पता चलता है कि आप कितनी देर धूप में घूम सकते हैं इसे चूज़ करने का सिंपल वे ये है कि जैसे मेरे पास डर्मा शाइन का एस पी एफ़ सिक्सटी प्लस है तो मैं उस सिक्सटी को मल्टीप्लाई करूँगी फ़ाइव से यानी सिक्सटी इंटू फाइव तो कितने थ्री हंड्रेड मिनट्स होंगे यानी फ़ाइव आवर तक मैं सन में घूम सकती हूँ अगर आपके पास कोई और नंबर का है फ़िफ्टीन या थर्टी एस पी एफ़ तो आप आ, उसे भी इंटू फाइव करके कैलकुलेट कर सकते हैं यानी फिफ्टीन इंटू फाइव थर्टी इंटू फाइव और अगर आप सन ब्लॉक लेना चाहते हैं आ, कोई भी तो एस पी एफ़ थर्टी प्लस लें क्योंकि थर्टी से कम का फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप आपी प्लस ही लें इस पर लिखा है कि ये ऑल टाइप स्किन के लिए है लेकिन इसे एक्नी और ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें ऑयली और एक्नी स्किन के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाकी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन वाले से यूज़ कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें मेंशन है ये ट्यूब फॉर्म में है वाइट कलर का है टू ग्राम की ट्यूब है क्रीमी फॉर्म और इसका जो टेक्चर है वो बहुत स्मूथ है जब आप इसे लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने अपने जो फेस पे बहुत वाइट वाइट कुछ लगा लिया है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा ऐसे लगेगा कि आपने स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्व हो जाएगा थोड़ी देर थोड़ी देर लगेगी लेकिन फिर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा ऐसे लगेगा कि आपने अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ और इस पर लिखा है कि नॉन स्टिकी है तो ये थोड़ा थोड़ा स्टिकी है इसकी जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि ये स्किन को ग्रीसी करता है स्किन को मॉइस्चराइज करता है इसे लगाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है इवन आपकी अगर आपकी स्किन जो है कॉम्बिनेशन है या ड्राई है तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है पसीना बहुत ज़्यादा आपको आता है वैसे तो ये बहुत अच्छा ही आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा लेकिन इसे लगाने के बाद एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है तो आप अगर इसे लगाने के बाद फिर मेकअप कर रहे हैं और आपको फिर बार बार स्वेटिंग होती रहेगी तो फिर ये तो अच्छा नहीं है ड्राई स्किन के लिए तो फिर भी सही है बट ऑयली स्किन के लिए एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है अब हम इसके प्राइस की बात करते हैं प्राइस इसकी रीजनेबल है फ़ाइव हंड्रेड तक आपको मिल जाएगा कहीं से भी इजीली आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं दराज़ वग़ैरह से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इवन कॉस्मेटिक वगैरह से भी आपको इजीली मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह